तो पूरी दुनिया आज यूक्रेन रूस युद्ध समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है और इसकी खास वजह भी है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दुनिया में सर्वमान्य नेता के तौर पर देखा जाता है और मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें दो ध्रुवों के शक्तिशाली नेता अपना दोस्त मानते हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जो बाइडेन रूस को धमका रहे हैं, यूक्रेन विल नेवर बी अ विक्ट्री फॉर रशिया, नेवर। व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। включая допуск инспекции на наши ядерные оборонные объекты. लेकिन नरेंद्र मोदी पुतिन को समझा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का एक साल पूरा हो गया है। यूक्रेन में हो रही तबाही की हर तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको पिछले साल 16 सितंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है और आप समरकंद की इन तस्वीरों को याद कीजिए जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन को समझाया था और कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी के इन शब्दों को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्यों दुनिया आज रूस यूक्रेन जंग के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। अब आप बाली में हुए G20 सम्मेलन को याद कीजिए। बाली में हुई G20 समिट में दुनिया के 20 बाहुबली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जिस नेता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के लीडर्स के बीच जिस नेता का इंतजार सुपर पावर देश के नेताओं को रहता है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और G20 में शामिल 20 देशों सहित पूरी दुनिया में मोदी का मैसेज पहुंच गया है। G20 के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी की बात शामिल की गई थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं, बातचीत का है। तब पीएम मोदी की यह बात पश्चिमी मीडिया में हेडलाइन बन गई थी। अब G20 के मैनिफेस्टो में इस लाइन को शामिल किया गया है। यही नहीं, पीएम मोदी इस मौके के अलावा भी भारत का रुख साफ कर चुके हैं और इस बात को दुनिया भी मानती है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री यारों के यार हैं, ये बात दुनिया जानती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के मित्र हैं, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मोदी की यारी है। एक साल में यूक्रेन का क्या हाल हो गया है आप देख रहे हैं। अब ऐसे में दुनिया में मोदी ही ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी पुतिन और बाइडेन दोनों से बनती है। ऐसे में मोदी से आस तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन में पिछले एक साल में क्या कुछ बदला और युद्ध के बाद यहां हालात क्या हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको
लिए चलते हैं यूक्रेन के बोर्डियांका में, जहां तस्वीरें तो विचलित कर देने वाली थी, लेकिन अब यहां हालात क्या हैं ये बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर। ये लोग आस लगाकर अपने आशियाने को देख रहे हैं। कईयों के घर टूटे, कईयों के अपने छूटे, कईयों का पता नहीं चला कि आखिर वो कहां हैं भी या नहीं। युद्ध को एक साल होने आया है, पर इनका जीवन मानो थम सा गया है। ये है यूक्रेन का बोरोडियांका इलाका। ये वो इलाका है जो काफी समय तक रूसी सेना के कब्जे में रहा और यहां जमकर तबाही मची। यहां के लोग तबाही के एक साल को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जी न्यूज आज यूक्रेन के इसी शहर पहुंचा है, जहां तबाही के निशान बता रहे हैं कि अब ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। मेरी मौजूदगी इस वक्त यूक्रेन के बोरोडियांका इलाके में है। ये वो इलाका है जो बहुत लंबे समय तक रूस की सेना के कब्जे में था। अब एक साल बाद यहाँ क्या तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, ये यहाँ का एक रेसिडेंशियल इलाका है और पिछली बार 9 महीने पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ लगातार मिसाइल अटैक्स हुए, न सिर्फ जो मिसाइल अटैक है वो किए गए, लोगों के साथ भी बर्बरता की गई और इसके साथ साथ बैंक को लूटा गया, घरों को बर्बाद किया गया, सामान यहाँ से ये आरोप लगा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कि रूस की सेना लेकर गई, खाने पीने का सामान हो या फिर ठंड से बचने का सामान हो। जिस रिहायशी इलाके को आप अभी देख रहे हैं, ठीक 9 महीने पहले ये कैसा दिखता था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रूसी सेना के आक्रमण के बाद ये पूरा इलाका क्षतिग्रस्त है, इमारतें यहाँ धराशायी हो गई हैं और रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। जैसा कि लगातार यूक्रेन की सेना क्लेम कर रही है, कह रही है कि माइंस लगाकर रूसी सेना यहाँ से गई हुई। और देखिए मौसम की भी मार है, लगातार यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी हो रही है। बोरोडियांका में इस महिला के घर जब रूसी मिसाइल आकर गिरी तो ये घर पर तो नहीं थी, लेकिन उस दिन को याद कर सिहर जाती है।